अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में मिशेल के हवाले की कोर्ट में ईडी का दावा, कथित बिचौलिए ने सोनिया और राहुल गांधी के नाम लिए, दावों पर भिड़ी कांग्रेस और बीजेपी। पहले ही कैबिनेट बैठक में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता खत्म, बुजुर्गों के पेंशन अब 1000 रुपए मिलेंगे। गाजीपुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, यूरिया और किसान कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस पर दागे सवाल, कहा चौकीदार की वजह से पकड़े गए चोर, कांग्रेस ने किया पलटवार। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने किया राइज रिसर्च सेंटर का उद्घाटन, जायजा लेने के बाद बोले बदलेगी इलाके की तस्वीर, कांग्रेस पर किया अटैक। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर दिखे एनडीए में दरार, कार्यक्रम में नहीं पहुंचे मंत्री अनुप्रिया पटेल और ओपी राजभर, पीएम मोदी सुहेलदेव पर डाक टिकट जारी कर बड़े संकेत देते नजर आए। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, राजस्थान में हर सीट के प्रभारी और संयोजक किए तय, 8 जनवरी के बाद दिग्गजों की बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंक एनकाउंटर, जैश के 4 आतंकी ढेर, मुठभेड़ होते ही पत्थरबाजी शुरू, इलाके में जारी है सर्च ऑपरेशन। श्रीनगर के जामिया मस्जिद में नकाबपोश ने लहराया आईएसआईएस का झंडा, लोगों ने नीचे उतारा, मीरवाइज उमर उसी मस्जिद में देते हैं भाषण। मेघालय में जारी है जिंदगी बचाने की मशक्कत, आज से नौसेना भी संभालने वाली है मोर्चा, 15 मजदूर हफ्ते से ज्यादा वक्त से खदान के अंदर। बाबा रामदेव की कंपनी दिव्य फार्मेसी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, 421 करोड़ रुपए के प्रॉफिट से 2 करोड़ रुपए किसानों को देना होगा। गुजरात के अहमदाबाद में एबीवीपी के लोकल मेंबर सम्मेलन में शरीक हुए बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला, गवर्नर ओपी कोहली भी रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले भूटान के प्रधानमंत्री, दोनों देशों में सहयोग को लेकर बातचीत, कल राष्ट्रपति पीएम विदेश मंत्री से भी मिले थे। ओडिशा के भद्रक में पदयात्रा में बीजेपी ने दिखाई अपनी ताकत, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हुए शामिल, नवीन पटनायक सरकार पर किया हमला। जिन मुद्दों पर उर्जित पटेल और सरकार में हुआ था टकराव, उसी सोच पर आरबीआई कायम, रिपोर्ट में दावा बैंकों के साथ साथ पूरी अर्थव्यवस्था के लिए घातक हो सकता है पूंजी भंडार कम करना। भीमा कोरेगांव कांड के साल भर पूरे होने से पहले चौकस हुआ प्रशासन, भीमार्मी के चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने मुंबई के होटल में किया नजरबंद, संभाजी भिड़े पर भी नजर। यूपी के मुरादाबाद में 50 फीट ऊंचे निर्माणाधीन पुल से गिरा कंटेनर, नीचे कार को किया चकनाचूर, किसी तरह की जनहानि नहीं। यूपी के पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर के कुलपति राजाराम यादव ने विवादित बयान दिया, किसी से झगड़ा हो तो रोते हुए ना आए, पिटाई करें और जरूरत पड़े तो हत्या कर दें। देशभर में जारी है सर्दी का सितम, पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, फतेहपुर में -4.2 पहुंचा पारा, महाराष्ट्र में 27 साल का रिकॉर्ड टूटा। चूरू के साधुपुर में एसडीएम ऑफिस के सामने बुजुर्ग ने आत्मदाह की कोशिश की, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाई जान, पुलिस पर लगाया चूरी हुई गाड़ी का मामला दर्ज न करने का आरोप। मुंबई के कमला मिल्स कंपाउंड के नजदीक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं को राहत देने की तैयारी में सरकार, वापस ले जाएंगे कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले। सर्जिकल स्ट्राइक के खौफ में पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद, कहा 2019 जीतने के लिए फिर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है भारत, मोदी सरकार ने बताया बेतुका। नए साल का इस्तकबाल करने मरुधरा में उमड़े सैलानी, जयपुर जोधपुर जैसलमेर उदयपुर में सैलानियों का लगा तांता, होटल्स और रिसोर्ट हाउस फुल। और बॉक्सिंग डे टेस्ट में जी से महज 2 विकेट पर दूर टीम इंडिया, 399 रनों का पीछा करने उतरी टीम ऑस्ट्रेलिया, पूरी तरह से बिखरी, 8 विकेट पर 558 रन।